आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। साथियों, एक जगह है जहां पे दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है, शहर है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नज़दीक है नांगल सिरोही और वहां से गांवों की तरफ रास्ता जाता है, कोथल खुर्द, कोथल कला, खातीवास और नानिकवास जितने भी गांव हैं इधर रास्ता जाता है। एक मोड़ बना हुआ है जहां पे काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। हाल ही में 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से एक नवयुवक की मौत हो गई और बहुत तेज़ी से यहां गाड़ियां सीधे जाती हैं। देख सकते हैं ये रोड नांगल की तरफ से आ रहा है, इधर खातीवास गाँव है, ये यहाँ से जब रास्ते पर चढ़ते हैं तो यहाँ तेज़ गति से जो साधन चलते हैं उनके चपेट में आके उनकी मृत्यु हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे टक्कर लगी थी, जो बाइक वाला यहाँ टकराया था बस से और उसकी डेथ हो गई थी। कुछ साथी यहाँ पे बने हुए, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से क्या हुआ था। बाबा नमस्कार। ठीक हो? हाँ ठीक। अच्छी तरह ठीक ठाक हो? हाँ ठीक। अभी जो परसों हादसा हुआ था उसके बारे में बताया, कैसे क्या हुआ था? वो इधर से तो गाड़ी आ रही थी तीर्थस्थान से जी, और इधर से वो मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था तो उसने शुद्ध इधर अब बांट दिया, वो टक्कर मार के उधर भगा दिया। जब पहला ही था या इससे पहले और भी हुए हैं? कई वो गया मेरा आगे, 8-7 हो लिया। ये तो मकान है ही मेरा। अच्छा, तो ये आपका ये इनका मकान है और बता रहे काफी एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुके हैं और भावी जिला पार्षद वार्ड नंबर 5 से यहाँ पे आए हैं, इन्होंने मुद्दा उठाया भी यहाँ पे ब्रेकर बनना चाहिए, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैम, जिस प्रकार से यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं और नव युवक जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, क्या कहेंगे, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? देखिए, यहाँ ये जो चौक है ये बहुत रिस्की है और अभी जैसे रिसेंटली बताया है इन्होंने कि लेटेस्ट अभी एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक स्कूल बस के साथ एक बाइक का हुआ है जी। और उसमें उस बाइक वाले की डेथ भी हो गई है और आप देखिए इतना अनसेफ है, स्कूल के बच्चों के लिए भी आप देखिए सेफ नहीं था जो एक्सीडेंट हुआ है। तो ये जितने भी लोग यहाँ पे आते जाते हैं क्योंकि स्पीड का जो है दोनों डायरेक्शंस में स्पीड बहुत होती है, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ इनिशिएट गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि यहाँ पे ब्रेकर्स बनाए जाएं, तीनों डायरेक्शन में बनाए जाएं क्योंकि ये 3 गांव को रास्ता जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही मुझे लगता है कि ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको किस तरह से मैं करके इसको आगे बढ़ चढ़ के इनको कोशिश करके और ये ब्रेकर्स बनवाने की कोशिश करेंगे, ब्रेकर बन जाएंगे जिससे यहाँ पे गाड़ियाँ धीरे हो जाएंगी और एक्सीडेंट नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही मेजर इशू है कि एक्सीडेंट जो है वो आप सीधा डेथ को कॉज करता है स्पीड की वजह से, तो ये स्टॉप करवाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर, जिस प्रकार से आप ज़्यादा घूमते हैं रोड के ऊपर, आपको पता है एक्सीडेंट होते रहते हैं, यहाँ पे जो हुआ आपने भी सुना था, आप उससे मिल के भी आया जहाँ तक मुझे पता है, किस प्रकार से क्या हालात थे उसके? देखो जी, यहाँ सुबह 7:30-8 बजे की बात है, यहाँ से स्कूल बस आ रही थी नांगल सिरोही से कोथल कला को जा रही थी और इधर खातीवास की तरफ से नांगल सिरोही को एक नवयुवक जा रहा था, वो बाइक पे सवार था और वो सामने आया, बस ने यहाँ पे टक्कर लगा दी थी, टक्कर लगाने से उसकी डेथ हो गई। और ये काफ़ी डेंजरस जगह है, यहाँ पे पहले भी 7-8 एक्सीडेंट हो चुके हैं और 3-4 लोगों की डेथ हो चुकी है, तो यहाँ एक खातीवास रोड पर भी एक ब्रेकर बनाया जाए और कोथल कला से नांगल सिरोही की तरफ आ रहा है वहाँ भी एक ब्रेकर बनाया जाए और नांगल सिरोही से जो अप्रोच रोड जा रहा है कोथल कला को वहाँ भी एक ब्रेकर बना दिया जाए, तो गाड़ियाँ यहाँ ब्रेकर पे थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाएंगी तो एक्सीडेंट का 100% बचाव हो जाएगा और ये हादसे हर प्रकार से बच सकते हैं। सर, मैम, जिस प्रकार से हम खुद ब्रेकर नहीं बना सकते तो इसके विषय में आप सरकार से क्या कुछ कब किस प्रकार से करेंगे? देखिए, इसमें मुझे लगता है जो PWD डिपार्टमेंट है यहाँ पे हमारी शायद मार्केटिंग कमेटी इसको देखती है, तो उन्हीं के साथ मिलजुल के जो भी हम इनिशिएट ले पाएंगे वो मैं तो ज़रूर कराऊंगी इस चीज़ को, मुझे लगता है। सर, कौन सा गाँव है? जी, मैं डेली जाट आया जी। यहाँ से जाते हो आप भी? हाँ जी, यहाँ से जाता हूँ मैं, मेरा आज्ञा हुआ है ये यहाँ पर टक्कर लग गया है जी, वहाँ से मैं वापिस आया हूँ, बड़ाका माचा हुआ, हेलमेट पे गिरा हुआ है। हेलमेट लगा रखा था? हाँ, उसने हेलमेट था। अच्छा, तो वो गैस के लेके गया, तो वो बच्चों ने वो 2 बच्ची रोन भी लाग गई थी। अच्छा। वो बेटा रो मत ना, वो बेटा कोई बात, हाँ बस बालका नहीं लगी। जिस प्रकार से बताया है कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, उस एक लड़के की डेथ होगी, यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जो हमारे भावी जिला पार्षद हैं वार्ड नंबर 5 में, उन्होंने बताया कि तीनों रास्तों पर एक एक ब्रेकर बनाया जाना चाहिए, इसके संबंध में आगे सरकार से बातचीत करेंगे और गुजारिश है साथियों, इस रोड से जहां से भी आप निकलो गाड़ी धीरे गति से चलाएं क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज 16। नमस्कार, धन्यवाद।